हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बोन्स रिएक्शन सीरीज़ के बारे में। लेकिन बोन रिएक्शन सीरीज़ को समझने से पहले हमें इसके पीछे वर्क करने वाले मैकेनिज़्म को समझना होगा। अब हम मैग्मा को ऑब्ज़र्व तो नहीं कर सकते, हम इतने कैपेबल नहीं हैं और उतने रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं हैं। इसलिए हम एग्ज़ाम्पल लेंगे ऐसी चीज़ का जिसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बोन्स रिएक्शन सीरीज़ क्रिस्टलाइजेशन की एक सीरीज़ है जिसमें बसाल्टिक मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है, और इसके पीछे वैसा ही मैकेनिज़्म वर्क करता है जैसा मैकेनिज़्म एक फास्ट फ्लोइंग रिवर में वर्क करता है। एक फास्ट फ्लोइंग रिवर अपने साथ सभी तरह के मटेरियल और सभी साइज़ के मटेरियल को कैरी करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी फ्लो की रफ्तार कम होती चली जाती है, वो हेवी मटेरियल्स जैसे बोल्डर्स, पेबल्स, कॉबल्स को डिपॉजिट करने लगती है। और उसके बाद नंबर आता है कोस सैंड, फिर फाइन सैंड, फिर सिल्ट और फिर क्ले। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे उसकी रफ्तार कम होती जाती है, जो मटेरियल वो कैरी कर रही है उसके कंपोजिशन में भी अंतर आता चला जाता है। जैसे ही वो हेवी मटेरियल को डिपॉजिट करती है, वो उसके सस्पेंशन लोड में से कम होता चला जाता है। अब जहाँ 100% मटेरियल में, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 20 या 25% हेवी मटेरियल था, वो अब कम होकर 10 या 5% रह जाता है। तो होता यह है कि जो फाइन मटेरियल है, लाइट मटेरियल है, ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। और यही मैकेनिज़्म उस वक्त वर्क करता है जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होने वाले मटेरियल जैसे ओलिविन या फिर एनऑर्थाइट रिच प्लेजियोक्लेस क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, और ग्रेविटी की वजह से वो मैग्मा के बॉटम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो वो ओलिविन या फिर एनऑर्थाइट रिच प्लेजियोक्लेस मोल्टन मटेरियल के साथ रिएक्शन करने लगते हैं, और दूसरा धीरे धीरे ओलिविन और एनऑर्थाइट रिच प्लेजियोक्लेस का मोल्टन मटेरियल में से परसेंटेज कम होता चला जाता है। और इस तरह से और अलग अलग मिनरल्स एक सीरीज़ में क्रिस्टलाइज होकर डिपॉजिट होने लगते हैं। और जब पहले क्रिस्टलाइज हुए मिनरल्स मोल्टन मटेरियल के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो उनके कंपोजिशन में भी धीरे धीरे थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है बोन्स रिएक्शन सीरीज़। तो चलिए इस सीरीज़ को देखते हैं। बोन्स रिएक्शन सीरीज़। मैग्मा का कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग सिलिकेट मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं, जो कि एक डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो करते हैं और एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। जैसे जैसे मैग्मा का टेम्परेचर कम होता जाता है, अलग अलग मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है, वो ये कि मैग्मा का केमिकल कंपोजिशन भी धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूस सीक्वेंस बन जाता है मिनरल के क्रिस्टलाइज होने का। और यही रीज़न है कि कुछ मिनरल्स आम तौर से एक दूसरे के साथ एसोसिएट पाए जाते हैं, और जबकि कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं पाए जाते, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ सीरीज का हिस्सा नहीं है। और इसी तरह से ठंडे होते सिलिकेट मेल्ट को स्टडी करते हुए N.L बोन ने दो तरह की रिएक्शन सीरीज डिस्कवर की, जो कि है कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज और डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, जो कि आपके सामने है। इस सीरीज में जो सबसे पहले मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं, वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं, और इसी तरह से जो लास्ट में मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं, वो सबसे कम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं। और इनमें ख़ास बात एक ये भी है कि जो मिनरल सबसे कम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं, वो अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो मिनरल्स हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं, वो वेदरिंग के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं और उनकी बहुत जल्दी वेदरिंग हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि जिस टेम्परेचर पे वो मिनरल्स बने हैं, उस टेम्परेचर में और अर्थ के
मौजूदा टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, अंतर होता है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज़। किसी भी मिनरल के सॉल्यूशन की सीरीज़ आमतौर से एक कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज़ बनाती है, जिसमें प्लैजियोक्लेस फेल्डस्पार इसके एंड मेंबर जैसे एनोर्थाइट एल्बाइट के साथ मिलकर ऐसी रिएक्शंस करता है। ऐसी रिएक्शन सीरीज में एनोर्थाइट रिच प्लैजियोक्लेस पहले क्रिस्टलाइज होता है और एल्बाइट रिच प्लैजियोक्लेस बाद में, और इसी तरह से एक सीरीज बन जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाता है वैसे वैसे कंटिन्यूस रिएक्शन होती जाती है उन मिनरल्स और मेल्ट के दरमियान जो पहले से क्रिस्टलाइज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता चला जाता है। और अगर इस सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज में जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें वेरिएशन परफेक्टली कंटिन्यूस है तो ऐसी रिएक्शन सीरीज को कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज कहा जाता है। इसी तरह से डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज एक डेफिनाइट टेम्परेचर पर होती है। ये रिएक्शन सीरीज उस वक्त होती है जब मैग्मा का टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है और जो पहले क्रिस्टलाइज हुए मिनरल्स है वो मैग्मा के साथ रिएक्ट करके कुछ नए मिनरल्स बना देती है जिनका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल ही अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम और आयरन रिच मिनरल्स जो कि किसी बसाल्टिक मैग्मा से क्रिस्टलाइज हुए होते हैं वो इस डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज के ज़रिए से एक दूसरे के साथ रिलेटेड पाए जाते हैं। और ऐसे मिनरल्स जब एक दूसरे के साथ प्रॉपर ऑर्डर में जुड़े हुए मिलते हैं तो इसे डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले बना ओलिविन किसी कम टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट हो सकता है और जिसकी वजह से बनते हैं पायरोक्सीन, और फिर पायरोक्सीन ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एम्फीबोल में और फिर बायोटाइट में, जिसकी वजह से एक रिएक्शन सीरीज बन जाती है। पहले क्रिस्टलाइज हुए एम्फीबोल से बायोटाइट भी बन सकते हैं। डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में जो आजू बाजू क्रिस्टलाइज हुए दो मिनरल्स होते हैं वो रिएक्शन पेयर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओलिविन और पायरोक्सीन मिलकर एक रिएक्शन पेयर बनाते हैं। और कुछ मिनरल्स जो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में कॉमन होते हैं जैसे कि मस्कोवाइट क्वार्ट्ज, ये रिजल्ट होते हैं उस टेंडेंसी का जिसकी वजह से एक मिनरल के आसपास में दूसरा मिनरल ग्रो हो जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कोरोनाज रिएक्शन रिम्स, जिसमें मैग्मा और पहले से क्रिस्टलाइज हुए मिनरल्स के बीच में रिएक्शन होती है और जब वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती तो कुछ नए मिनरल्स अराउंड में बन जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये जो लास्ट वाले मिनरल्स हैं वो एक दूसरे में कॉमनली बन जाते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में इस तरह के मिनरल रिजल्ट होती है जोनिंग ऑफ मिक्स क्रिस्टल्स का, और डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में आमतौर से ये रिजल्ट होती है रिएक्शन रिम्स और कोरोनास का। जैसा कि आप दी गई इमेज में देख सकते हैं कि ऊपरी हिस्से में जो स्टार्ट में जो मिनरल्स बन रहे हैं उस मिक्सचर में जो मिनरल्स बने हैं वो ज़्यादा बेसिक है, जिसमें कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में है जैसा कि आप देख सकते हैं प्लैजियोक्लेस बन रहे हैं, कैल्शियम रिच प्लैजियोक्लेस, कैल्शियम सोडियम रिच प्लैजियोक्लेस, सोडियम कैल्शियम रिच प्लैजियोक्लेस, फिर सोडियम रिच प्लैजियोक्लेस, जो कि कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है इसमें सोडियम का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और कैल्शियम कम होता जा रहा है। उसके बाद डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में ओलिविन, ऑर्थोपायरोक्सीन, क्लेनोपायरोक्सीन, एम्फीबोल, फिर बायोटाइट, और इन दोनों सीरीज में जो मिनरल्स कॉमन है जैसे के फेल्डस्पार, मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज, इस तरह से इस रिएक्शन सीरीज को कंप्लीट करते हैं। और इस रिएक्शन सीरीज से हमें ये जानने को मिलता है कि ओलिविन और एनोर्थाइट रिच प्लैजियोक्लेस जैसे मिनरल्स पहले क्रिस्टलाइज होते हैं, और अगर ये मिनरल्स मैग्मा के कांटेक्ट में कंटिन्यूसली रहते हैं तो फिर इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और ये पायरोक्सीन
और दूसरे मिनरल्स में चेंज हो जाते हैं। और इस तरह से जब रॉक बनते हैं तो रिजल्टिंग रॉक होते हैं गैब्रो या फिर बसाल्ट। आमतौर से ग्रेविटी सेटलिंग की वजह से ओलिविन और एनोर्थाइट रिच प्लेजियोक्लेस जो है वो मैग्मा से अलग होता हो जाता है, और धीरे धीरे जो मैग्मा है उसमें सिलिकॉन, एलुमिनियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और वाटर यानी H2O और CO2 की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और ऐसा मेल्ट जब क्रिस्टलाइज होता है तो वो मिनरल का एक असेंबलेज बनाता है जिसमें मेनली एम्फीबोल और कुछ माइका, अल्कली फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये बात नोट की जा सकती है कि ये मिनरल कम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन की आखिरी स्टेज में। N.L Bowen ने इस रिएक्शन सीरीज को कई नेचुरल प्रोसेसेस में ऑब्जर्व किया और लैब प्रैक्टिकल में उन्होंने सन 1900 में बसाल्टिक रॉक का पाउडर बनाकर उसे इतना गर्म किया कि वो मेल्ट हो गए और उसे धीरे धीरे एक टारगेटेड टेम्परेचर तक ले आए, जिस और उन्होंने उसमें ये सीरीज को ऑब्जर्व किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।